हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जोहा झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। झारखंड में शिक्षकों के लिए एक वाली आई हुई है, जिस पे यदि आप भाग लेना चाहते हो, झारखंड में आपको शिक्षक बनना है, तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस न्यूज़ को लास्ट तक ज़रूर देखें, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और आप हमारे चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया है। देखिए दोस्तों, ये जो न्यूज है, ये जो नोटिस है, आप देख सकते हो, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी धनबाद की तरफ से आई है। विज्ञापन संख्या 1/2022 आई है। जिले में 19 चयनित आदर्श विद्यालयों में संविदा के आधार पर उच्च विद्यालयों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान में स्नातक प्रशिक्षित, प्लस टू विद्यालयों के लिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विषयवार कोटिवार रिक्ति संलग्न आवेदन पत्र 26/9/2022 तक जिला पदाधिकारी कार्यालय धनबाद में निबंधित। डाक पत्राचार का पता जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद, मिश्रित भवन धनबाद, पिन कोड संख्या इतना है के माध्यम से निम्नांकित शर्तों के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। यानी ये जो पता है, इसमें आपको भेजना है जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद, मिश्रित भवन धनबाद, पिन कोड इतना है, ठीक है। तो सारे सर्टिफिकेट आपको भेज देना है, अपना नाम पता सारा कुछ इस डिटेल पे भेजना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसके लिए एज जो चाहिए आपका, न्यूनतम 21 वर्ष चाहिए, तथा अधिकतम, देखिए अधिकतम सामान्य कोटि के लिए यहाँ पर देख सकते हो 40, और अगर सामान्य कोटि का कोई व्यक्ति विकलांग है तो उसके लिए 45, उसी प्रकार महिला का 43, विकलांग हुए तो 48, और यहाँ पर देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 42 है, और अगर विकलांग है अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति तो वो 47 वर्ष, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 45 वर्ष मिनिमम, और जो अगर विकलांग है तो 50% उसके लिए ये उम्र की सीमा है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर मैं बता दूँ, झारखंड से मैट्रिक इंटर होना चाहिए, ये इस पर कहा गया है। देखिए, यह नियुक्ति अल्पकालीन वार्षिक संविदा आधारित नियुक्ति की व्यवस्था अगले आदेश तक अथवा नियमित शिक्षकों के पदस्थापन तक जो पहले हो तक लागू रहेगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये आपका संविदा पर आधारित है और इसे आप परमानेंट नहीं समझें, ठीक है। इसमें आपका जो वेतन मिलेगा 27,500 रुपया एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को 26,250 रुपया मिलेगा, ठीक है। जो पीजीटी किए हैं उनको मिलेगा 27,500, और जो स्नातक किए हैं उनको 26,250 रुपया मिलेगा। संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षकों को नियमित नियुक्ति का कोई दावा अधिकार नहीं होगा, न ही सरकारी शिक्षकों के संवर्ग के हिस्सा होंगे, ठीक है। संविदा पर आधारित है, आप आगे नहीं बोल सकते हैं कि हमें परमानेंट कर दीजिए। छठा, यह शिक्षक कार्य दिवस पर अनुपस्थित रहते हैं तो उस कार्य दिवस के भुगतान का हकदार नहीं होंगे, ये तो सब कोई, काम घंटे के नियमित शिक्षक के समान होंगे, ठीक है, घंटे आधारित आपको मिलेगा। आगे देखिए, नियुक्ति का चयन देखिए ये सब क्या है, उपायुक्त धनबाद द्वारा गठित चयन समिति साक्षात्कार एवं व्यवहारिक कक्षा के अवलोकनोपरांत मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी इस समिति के द्वारा साक्षात्कार आपका होगा, फिर व्यवहारिक कक्षा के अवलोकनोपरांत, यानी व्यवहारिक आपको क्लास भी लेने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। देखिए, इस पे जो सीटें हैं आप देख सकते हो, सीटों की संख्या मैं बता दूं, अगर आप हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं, हिंदी के लिए अप्लाई करोगे तो टोटल 12 है, उर्दू के लिए 6 है, बांग्ला के लिए 7 है, संस्कृत के लिए 21 है, अंग्रेजी क्या नाम है, अंग्रेजी के लिए 14 है, संस्कृत के लिए 21 है, गणित एवं भौतिकी के लिए 32 है। यहाँ पर देखिए, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान के लिए 8 सीटें हैं। आगे देखिए, अर्थशास्त्र के लिए 9 सीटें हैं, अर्थशास्त्र में 9 सीटें हैं, गृह विज्ञान में 2 सीटें हैं, संगीत में 1 है, इतिहास नागरिक के लिए 19 सीटें हैं, भूगोल के लिए 5 सीटें हैं, शारीरिक शिक्षा के लिए 11 सीटें हैं, पर्शियन के लिए 2 है, संथाली के लिए 1 है, और कुल मिला के 150 सीटें हैं। और 150 सीटों में यहाँ सभी को कैटेगरी वाइज बांटा गया है, आप देख सकते हो कितना है कैटेगरी वाइज। तो आवेदन जो आप करेंगे, किस प्रकार आवेदन पत्र का प्रारूप होगा, इसको आप निकाल लीजिएगा, जाके कोई कहीं भी कहीं से भी आप प्रिंट आउट करके इसे निकाल लीजिएगा। मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जो हर झारखंड स्टडी पे, आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसको निकाल लीजिएगा प्रिंट आउट। इस प्रकार रहेगा आपका आवेदन पत्र का प्रारूप स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए,
आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, उम्र, स्थायी पता, पत्राचार का पता, यहाँ आपका फोटो देना है, यहाँ सिग्नेचर देना है, पत्राचार का पता, सारा डिटेल देना है, परीक्षा, संस्थान का नाम, बोर्ड, उत्तीर्णता का वर्ष, विषय, पूर्णांक, प्राप्तांक का प्रतिशत, स्नातक का मुख्य विषय, आवेदित पद का विषय, आरक्षण कोटी, मोबाइल संख्या, आधार नंबर, पहचान चिन्ह, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करेंगे, यानी आप इस पे अपना साइन भी मारेंगे नीचे पे, जैसे आपका सर्टिफिकेट है उसका जेरोक्स है उसके नीचे साइन मारेंगे। आरक्षण का लाभ लेने हैं तो झारखंड सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं आयुष्य प्रमाण पत्र भी, अगर आपको ओबीसी एसटी एससी में आते हो और आपको फायदा लेना है आरक्षण का तो आप उसको भी डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का आपको प्रारूप, ये है आपका आवेदन का, आवेदन पत्र का प्रारूप है। देखिए यदि आप ये स्नातक शिक्षक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए, तो आप ये है, और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के लिए भी देखिए इस प्रकार का प्रारूप रहेगा। इसको आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाके डाउनलोड कर लेना। इम्पोर्टेंट चीज़ एक देख लीजिए आप लोगों को दोस्तों, इसको जो भेजना है आपको यहाँ पर लिख रहा है अनिवार्य शैक्षणिक प्रशिक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक इंटर झारखंड से होना चाहिए, झारखंड राज्य के अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति के मामले में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों की नियुक्ति के विषय में स्नातक के सभी 3 वर्षों में संबंधित विषय की पढ़ाई की गई हो। आवेदन पत्र के साथ पत्राचार का पता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर 27 रुपया का डाक टिकट के साथ संलग्न करेंगे, 27 रुपया का डाक टिकट उसमें आपको संलग्न भी करना है, ठीक है। 27 रुपया का डाक टिकट उसमें दे देना है, ठीक है। नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में सभी सूचना NIC धनबाद धनबाद.NIC.IN पर दैनिक समाचार के माध्यम से दी जाएगी।